डिजिट इन 7 years। बात अब PSEL वर्कर कल्याण समिति की, जिसके निवेशकों और एजेंटों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से पैसा दिलाने की मांग की। भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे PSEL के वर्कर और निवेशकों में भारी गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने सरकार को साफ चेतावनी दी कि अगर हमारा पैसा हमें नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर PSEL लिमिटेड वर्कर कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर गौतम ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और न ही कोई तीज त्योहार मनाएंगे। GPN 7 न्यूज चैनल के लिए मोहम्मद आलम के साथ मोहम्मद सालिम की रिपोर्ट। फांसी दो या पैसा दो, फांसी दो या पैसा दो, सरकार हमारा पैसा दो, पैसा।